हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करो, बेहतर होगा। उस क्वेश्चन के में जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ, मेथड छिपा हुआ, उसको समझने की कोशिश करो। फाइनल ईयर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो, टू पॉजिटिव चार्ज है और हर एक पे चार्ज क्यू है। पहला जो क्वेश्चन लेते हैं, ये कहता है टू पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ ले लेता हूँ, प्लस क्यू बराबर है। एंड टू पॉजिटिव आयंस है, आयंस मतलब कि उनसे कुछ चार्ज या तो गए होंगे या तो आए होंगे। तो ये पॉजिटिव आयंस है, ये मान लो प्लस चार्ज है इस पर, और ये पॉजिटिव आयन है इस पर भी प्लस चार्ज है, ये एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे है बराबर है। कहता है इनके बीच जो रिपल्सर फोर्स लगेगा वो एफ है। अभी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं एक फोर्स से, चलो ये इधर एक फोर्स से एफ से रिपल कर रहा, और ये इसको इधर रिपल कर रहा होगा एक फोर्स से, रिपल्सन हो रहा होगा। तो कहता है कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच अदर, मतलब आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिस हो गए होंगे उनकी कैलकुलेशन करनी है। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी का आना और जाना चार्ज क्रिएट करता है, या तो इलेक्ट्रॉन कहीं आएगा या तो कहीं जाएगा, तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज बनेंगे। तो जो क्यू है, अब समझने की कोशिश करना, अगर ये आयन है तो इस पे प्लस चार्ज आया तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा उसे आप निकाल सकते हो। क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई, ये वाला फार्मूला हम सबको पता है। तो एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है क्यू अपॉन ई। इतने इलेक्ट्रॉन या तो गए होंगे या तो आए होंगे, वो हमें इसी की कैलकुलेशन करनी है एन की। तो अब जो इनके बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स है उस फोर्स की कैलकुलेशन मैं कर लूँ, तो इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम रखे हुए हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, और क्यू का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एन स्क्वायर ई स्क्वायर, एंड डिवाइड कर दूं इसे 4πε0 और डी का स्क्वायर। तो बराबर है प्यारे बच्चों, यहां से मुझे एन की फाइनली वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी एन क्या चाहिए था हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग ना, तो 4πε0 डी स्क्वायर एफ अपॉन ई स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग इसी के टर्म में दिया हुआ है। तो 4πε0 एफ डी स्क्वायर ई स्क्वायर, मतलब हम लोगों का सी ऑप्शन सही है बराबर है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, बेहतर।